खुद को बहुत होशियार समझती हो? हाँ, क्या लगता है तुम यहां से भाग सकती हो? उसने बार बार रेप और मर्डर किए पर वो किसी के भी हाथ नहीं आया। पुलिस का सरदर्द भी बढ़ता चला गया। पुलिस का काम है देश की सेवा करना और लोगों की मदद करना, मगर क्या हो अगर एक पुलिस वाला ही किलर और रेपिस्ट बन जाए तो? आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइको सीरियल रेपिस्ट और साइको किलर की जिसे लड़कियों की ब्रा और पैंटी पहनना बहुत पसंद था। इस आदमी का खौफ पूरे इंडिया में फैला था। इस आदमी के कारण लड़कियां अपने घरों से निकलने के लिए डरती थी और इस कहानी की शुरुआत बैंगलोर से हुई। बैंगलोर, जिसे लोग इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, वहां पर 25 साल पहले इस आदमी का खौफ इस हद तक फैल चुका था कि बैंगलोर और कर्नाटका के दरवाजों पर ग्रिल्स लगना शुरू हो गए थे। ये वो आदमी था जिसके 20 से भी ज्यादा रेप और मर्डर के केसेस ने वुमेन सेफ्टी और पुलिस प्रशासन के काबिलियत पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। इस आदमी का नाम है बैंगलोर सीरियल किलर उमेश रेड्डी। आज की कहानी उमेश रेड्डी की है, जिसे द बीस्ट ऑफ बैंगलोर भी कहा जाता है, कि कैसे एक पुलिस वाला सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर बना और किस तरह से उसने अपने क्राइम्स कमिट किए। आइए जानते हैं उमेश रेड्डी की कहानी मेरी जुबानी। उमेश रेड्डी, इस आदमी का जन्म 1969 बसाबा मलीवे कर्नाटका में हुआ था। उमेश बचपन से ही अपने आप को बाकी बच्चों से दूर रखा करता था। उसके पापा एक शराबी थे। वो कभी भी उमेश को उसकी गलतियों के लिए सजा नहीं देते थे, बल्कि उसे लिव इन द मोमेंट का ज्ञान दिया करते थे। उमेश बचपन से ही चोरी की हरकतें किया करता था। गांव वालों के क्रॉप्स चुराना, रात में उनकी बकरियां चुरा कर उन्हें बेच आना, स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट की स्टेशनरी चुराना, ये सब उमेश के लिए आम बात थी। और इसी के चलते गांव में ये बात फैल गई कि उमेश रेड्डी चोर है। इसके पहले गांव वाले कोई एक्शन ले पाते, उमेश गांव से भाग गया। 4 दिसंबर 1996, कर्नाटका के चित्रदुर्गा शहर में शाम के 7 बजे एक 17 साल की लड़की अपने पिता के साथ घर जा रही थी। सूरज ढल चुका था और वहाँ ज्यादा घरों के ना होने के कारण शाम के बाद सन्नाटा छा गया था। उसके पिता को दुकान से कुछ सामान खरीदना था, तो उन्होंने अपनी बेटी से आगे जाने के लिए कहा। लड़की के पिता दुकान में सामान खरीदने चले गए और लड़की आगे चलने लगी। चलते चलते उसकी नज़र अचानक एक टोपी वाले इंसान पर पड़ी जो उसकी तरफ चलकर आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गई, मगर उसे राहत की सांस आई जब वो आदमी उसके पास से चुपचाप गुजर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उस लड़की को महसूस हुआ कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही टोपी वाला आदमी वहां मौजूद था। लड़की ने अपने चलने की रफ्तार तेज की, जिसके बाद उस आदमी ने भी अपनी रफ्तार तेज की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। डर के कारण वो लड़की भागना शुरू कर दी और उसे भागता देख वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगा। और देखते ही देखते वो लड़की के इतने करीब पहुंच गया और उसने उसे पकड़कर कहा, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो, क्या लगा था मुझसे बच जाओगी? ये कहकर वो टोपी वाला आदमी उस लड़की पर चढ़ गया और उसका गला दबाने लगा ताकि वो चीख ना पाए। वो आदमी उसके इतने करीब था कि लड़की को उसकी सांसें महसूस हो रही थी। उस लड़की ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। मगर इस चक्कर में उसकी टोपी गिर गई, जिस कारण लड़की ने उसका चेहरा देख लिया। आदमी ने ये महसूस किया कि कोई उसे पीछे से पत्थर मार रहा है। उस लड़की के पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर उस लड़की के जान में जान आई। उसने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उस आदमी के चेहरे पर दे मारा और उसे अपने ऊपर से गिरा दिया। अपनी जान बचाकर वो आदमी वहां से भाग तो गया, मगर उसे क्या पता था कि उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ने वाली थी। ये कहानी थी गीता की, जिसके कारण बैंगलोर का सबसे बड़ा सीरियल किलर का सच सबके सामने आया और उसे पहली बार अरेस्ट किया गया। ये उसका पहला क्राइम नहीं था, मगर पहली बार किसी ने उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। अपने गाँव से भागने के बाद उमेश रेड्डी जम्मू कश्मीर में आ गया, जहाँ पर उसने CRPF ज्वाइन किया, जिसके चलते उसे एक कमांडर के घर की गार्ड ड्यूटी मिली। मगर उसने उसी कमांडर की बेटी पर रेप करने की कोशिश की और ये उमेश का सबसे पहला फीमेल असॉल्ट था, एटलीस्ट इन द रिकॉर्ड्स।
और पकड़े जाने के डर से वो वहां से भी भाग गया। सितंबर 1996 में उमेश रेड्डी चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल सिटी में पहुंचा और वहां वो DAR डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व में भर्ती हुआ। DAR को उस समय पुलिस जैसा ही दर्जा दिया जाता था। ठीक से बैकग्राउंड चेक ना होने के कारण उसे DAR में एंट्री मिल गई और वहीं से उमेश की दरिंदगी की शुरुआत हुई। केवल 2 महीने के अंदर ही उमेश ने अपना पहला हमला किया। उसकी पहली शिकार बनी दिव्या। उसे घर जाते समय उमेश ने दबोचा, उसके गहने चुराए और उसे नंगा कर वही छोड़ दिया। अपनी इज्जत बचाने के खातिर उसने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की और पुलिस ने भी इसे आम रॉबरी का केस समझकर इग्नोर कर दिया। इस घटना के 1 महीने बाद ही उस शहर में एक भयानक मर्डर हुआ एक माइनर लड़की पल्लवी का। उसका रेप करके उसे जान से मार दिया और उसे बिना कपड़ों की हालत में उसकी लाश को वही छोड़ दिया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उन्हें एक पैटर्न मिला, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले ऐसा केस गीता नाम की लड़की के साथ भी हुआ था, मगर अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसने भी रिपोर्ट फाइल नहीं की थी। 22 जनवरी चित्रदुर्गा में रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस थी और उसी पहली प्रैक्टिस के दिन वो लड़की गीता भी वहां मौजूद थी। प्रैक्टिस के दौरान उसकी नज़र पड़ी कुछ लोगों पे जो ग्राउंड पर मार्किंग कर रहे थे और उसने देखा कि जिस आदमी ने उस पर उस रात हमला किया था वो आदमी भी वहां मौजूद था, वो भी उसकी आंखों के सामने। उसकी सांसें तब रुक गई जब उसने देखा कि उस आदमी ने वर्दी पहनी हुई है और उसे रियलाइज हुआ कि जिस आदमी ने उस रात को उस पर हमला किया था वो और कोई नहीं एक पुलिस वाला था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उन्हीं के कहने पर फाइनली गीता ने उन्हें उमेश के बारे में बताया। डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व का कैंडिडेट BA उमेश रेड्डी खाकी वर्दी में छुपा हुआ एक जानवर जिससे हर कोई अनजान था, अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था और गीता के थ्रू ही उमेश रेड्डी पकड़ा गया। जब पुलिस ने उमेश को अरेस्ट किया तो पुलिस के पास पल्लवी के रेप और मर्डर के एविडेंस नहीं थे और गीता का भी रेप अटेम्प्ट था, जिस कारण उसे आसानी से बेल मिल गई और जैसे ही वो बेल के कारण छूट गया वो वहां से फरार हो गया। 1997 से 2002 के बीच पुलिस ने उमेश को 5 बार अरेस्ट किया, मगर हर बार वो पुलिस के चंगुल से छूटकर भाग जाता था। उमेश ये बहुत चातर आदमी था। वो हमेशा सुबह 11 से दोपहर 3 बजे के बीच औरतों पर हमले करता था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय घर में एक भी मर्द मौजूद नहीं होगा। वो औरतों के दरवाजों पर दस्तक देता था। केबल वाला, टेलीफोन वाला, बैंकर या एड्रेस पूछने के बहाने वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता था, जिसके बाद वो लड़कियां और औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। उमेश रेड्डी पुलिस के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो अपना क्राइम सीन इस तरह से छोड़कर जाता था कि वो असॉल्ट नहीं बल्कि एक प्लेन रॉबरी लगे। मगर एक चीज़ जो वो हमेशा चुराता था वो था फीमेल के अंडरगार्मेंट्स, यानी कि लड़कियों की ब्रा और पैंटी। इन 5 सालों में पुलिस ने 4 बार उसके अलग अलग घर और ठिकानों पर छापा मारा था और उन्हें बड़ी बड़ी बोरियां भर के लेडीज़ के अंडरगार्मेंट्स मिले थे। उमेश क्रॉस ड्रेसिंग करना पसंद करता था, यानी कि उमेश को लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद था। उमेश का कहना था कि वो लड़कियों के अंडरगार्मेंट्स पहनकर सोया करता था और उन्हें पहनकर मास्टरबेट किया करता था। पुलिस को अंडरगार्मेंट्स के साथ साथ हर जगह सोना और चांदी की चीज़ें, गहने, जेवर और कैश भी मिले। जब भी पुलिस उमेश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही होती थी वो कुछ ना कुछ बहाना देकर और मौका पाकर पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता था। पहली बार जब उसे जेल ट्रांसफ़र किया जा रहा था तब उसने नेचर्स कॉल का बहाना दिया और पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग गया। एक बार उसने चलती ट्रक में अपना पैंट उतारा और एक कांस्टेबल जिसने उसे पकड़ रखा था उसके पैरों पर पेशाब कर दिया, ये सोचकर कि घिनाने पर कांस्टेबल उसे 1 सेकंड के लिए छोड़ देगा और वो मौका पाकर वहाँ से भाग जाएगा। मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि कांस्टेबल ने उसे पकड़े रखा। एक बार एंकल में फ्रैक्चर होने के कारण उसके पैरों पर प्लास्टर बंधा हुआ था। उसने अपना पुराना नेचर्स कॉल का बहाना दिया और मौका पाते ही अपनी टूटी हुई टांग के साथ वहाँ से भाग गया। उसके बिहेवियर और हरकतों से ये समझ आ चुका था कि ये आदमी एक सेडिस्ट है,
मतलब इसको दूसरों के दर्द में बहुत खुशी मिलती है। उमेश के क्राइम करने का एक पैटर्न था, वो हमला करने के बाद सबसे पहले अपने विक्टिम को चुप कराने की कोशिश करता था, फिर चाहे वो मुंह बंद करके हो या फिर गला घोटकर। उमेश के कई विक्टिम्स की मौत स्मदरिंग के कारण यानी कि सांस बंद होने के कारण हुई थी। उमेश अलग अलग चीज़ें यूज़ करता था, जैसे साड़ी या साइकिल की चेन, जिससे वो अपने विक्टिम्स को स्मदर करके उनकी जान लिया करता था। उमेश रेड्डी वॉज अ वेरी वॉयलेंट पर्सन। चित्रदुर्गा में जब उसने दिव्या पर हमला किया तब उसने उसके ईयर रिंग्स कानों से खींच कर बाहर निकाले, जिस कारण दिव्या के ईयर लोब्स फट गए। उमेश के कई विक्टिम्स के बॉडी पार्ट पर अलग अलग जगहों पर बाइट मार्क्स पाए गए थे, पर्टिकुलरली इनर लिप्स पर। वो लड़कियों को सिर्फ डराना नहीं चाहता था बल्कि उन्हें दर्द का एहसास दिलाना चाहता था, और जाते जाते वो हमेशा अपने विक्टिम्स को बिना कपड़ों के छोड़कर चला जाता था ताकि इज्जत के डर में वो चिल्ला भी ना पाए। 17 May 2002 पुलिस ने उमेश को आखिरी बार अरेस्ट किया। कई बार पुलिस को चकमा देने के कारण उमेश ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और उसी ओवर कॉन्फिडेंट के चलते वो पकड़ा गया। वो पुलिस स्टेशन के सामने वाले सलोन पर दाढ़ी बनाने आया था, मगर उसे एक रिक्शा वाले ने पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी। उसने अपने आप को जेल से निकालने के लिए कई तरकीबें आजमाई। उसने मेंटली अनस्टेबल होने की एक्टिंग की और ये कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, वो तो एक पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया और उसे क्रिमिनल बना दिया। कोर्ट में उसे 9 क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 3 में वो गिल्टी प्रूव हुआ। ही इवन कन्फेस्ड कि उसने 18 से 20 लड़कियों का रेप और मर्डर किया है। उसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, मगर एज ऑफ नवंबर 2022 उमेश की डेथ सेंटेंस को कम करके 30 साल के आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अपने कन्फेशन के बाद और 3 केसेस में गिल्टी प्रूव होने के बाद भी उसकी मौत की सजा बदली क्यों गई ये हम नहीं जानते। वी ओनली नो दैट द जस्टिस इज नॉट बीइंग सर्व्ड। व्हाट आर योर थॉट्स एंड योर ओपिनियंस ऑन दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट, काइंडली कमेंट डाउन बिलो। एंड बाय दिस आई एंड माय उमेश रेड्डीज ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड देन हिट द बेल आइकन।